आज हम ले आए हैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। आज हम आपको मोनोकाइट फाइटर और मोनोकाइट के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सी डोर लेनी चाहिए और कौन सी डोर नहीं लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है कौन सी नहीं है, पूरी डिटेल में बात करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, जो पहली बात है कि आपको मोनोकाइट फाइटर क्यों लेनी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोनोकाइट फाइटर ही लें। तो बात करते हैं कि आपको मोनोकाइट फाइटर क्यों लेनी चाहिए। एक मिनट गाइस, तो गाइस मोनोकाइट फाइटर क्यों लेनी चाहिए, दोस्तों बहुत ब्रीक डोर है, जितनी मोनोकाइट है मोनोकाइट भी ब्रीक है, पर उससे भी ज्यादा ब्रीक है आपको यहाँ देखने को मिलती है मोनोकाइट फाइटर। और जो मोनोकाइट फाइटर पे जो कंच चढ़ा है वो कोई डोर पर नहीं चढ़ा गाइस, आप उसे हाथ लगाकर देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ इस डोर में भाई कुछ है। आप खुद मुझे अगर कमेंट में बताएंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी डोर थी, थैंक यू हमें अपनी ओपिनियन देने के लिए, आप मोनोकाइट फाइटर ही ले। मैंने कल खुद उड़ाई संडे वाले दिन, बहुत अच्छी डोर थी, नंबर वन डोर थी, मैंने बहुत ज्यादा पतंग काटी। तो दोस्तों बात आती है मोनोकाइट फाइटर क्यों नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों उससे पहले प्लीज मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा एक चैनल है एजी का मैजिक शो, एजी का मैजिक शो, उसे भी सब्सक्राइब कर लें गाइज, प्लीज सपोर्ट करें। और गाइज यहाँ पर एक आई बटन आएगा, आप उसमें मुझे बताइए कि ये देखिए अभी आ गया होगा आई बटन, आप उसमें मुझे बताइए कि क्या मुझे डोर के अलावा और भी कोई वीडियोस डालनी चाहिए। गाइज मैं डोर की भी वीडियो लाया करूंगा, पर साथ साथ क्या मुझे और भी कोई वीडियोस डालनी चाहिए पतंग के अलावा। तो गाइज इस आई बटन में ये देखिए जो अभी आएगा, ये आ गया आई बटन, इसमें जरूर बताएं यस या नो करके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें मोनोकाइट फाइटर जो है वो क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम दो लोग साथ में इकल्ले पतंग उड़ाते हैं तो उसमें जो क्या है, अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं और हमने पतंग उतारी तो उसमें जो है वो जगह जगह वो इकट्ठी हो जाएगी, डोर जो है इकट्ठी हो जाएगी और वो डोर उलझ जाएगी, जिससे क्या होगा जब आप उसको निकालेंगे, गुलजन को निकालेंगे तो उसमें डोर में वो घेसे पड़ जाते हैं, ठीक है, उस डोर में घेसे पड़ जाते हैं जिससे कि उस वो डोर टूट जाती है, जो कि आपकी डोर में गाठे डाल देती है और पतंग उड़ाते टाइम आपकी डोर कट जाती है। और भारी हवा में भी इसका नुकसान है मोनोकाइट फाइटर का, ये तेज हवा में टूटने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप भारी पतंग उड़ाते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी ओपिनियन कि आपको मोनोकाइट फाइटर लेनी चाहिए अगर आप दूसरे की पतंग काटना चाहते हैं, छोटी पतंग उड़ाएं मोनोकाइट फाइटर लें और दूसरे की पतंग काटें, अगर आप भारी पतंग उड़ाते हैं तो ये टूट जाएगी और अगर आप अकेले पतंग उड़ाते हैं तो इसमें गुलझन पड़ेगी। तो दोस्तों यही थी ओपिनियन, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।